एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवाधिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव, शासन पति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अंतिम वाणी को, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन और वंदन करते हुए। आपकी रुचि कहाँ है? आपने शास्त्र सुन लिया, आपने तप भी कर लिया, आपने ध्यान भी कर लिया, पर रुचि कहाँ है? यदि रुचि इसमें नहीं है, आप देखें 24 घंटे में हमारी रुचि कहाँ रहती है। हम घर में रहते हैं, भूख लगती है, भोजन में रुचि रहती है, बाहर जाते हैं तो घूमने में रुचि रहती है, आमोद प्रमोद में रुचि रहती है, मन बहलाने में रुचि रहती है, बुद्धि कोई निर्णय करती है उसमें हम साथ में लग जाते हैं, तो ये अनादिकाल से हम कर्मों का बंधन करते चले जाते हैं। तो हमारी रुचि किसमें हो? एक ही रुचि घर, परिवार, समाज, देश में। इन 8 दिनों में विशेष तौर पर घर में घटना घटेंगी, परिवार में कुछ होगा, किसी का जन्म होगा, कोई किसी को रोग आ सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, समाज में, देश में कुछ भी घटे, आप उसमें रुचि ना लें, मध्यस्थ भाव रखें जो कर सके। दूसरा, बहिर्मुखी जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि बाहर जा रही है, आंखें दृश्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, पांच इंद्रियां जो बाहर घुमा रही हैं, और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी आए। अंतर्मुखी कैसे आएंगे? आंखें बंद करके भेद विज्ञान करते हुए आत्म प्रदेशों में गहरे जाते जाते आप भीतर डूबेंगे, तब धीरे धीरे अंतर्मुखी बनेंगे, इसी को भी देखेंगे, सब में भेद करेंगे, ये देह है और देह के भीतर आत्म तत्व विद्यमान है, इसमें आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो सके। और तीसरा, हो सके तो अधिक से अधिक मौन का पालन करें, 8 दिनों में अधिक बोलना नहीं, हो सके तो मौन रहें और अपने आप को महत्व देना, माने कि मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें अध्यात्म की चर्चा करके। अंतकर्दृष्टांग में आपने 90 आत्माओं का वर्णन सुना, कैसे वो 90 आत्माएं भेद विज्ञान करते करते उसने अंतर्गत कर लिया, भेद ज्ञान से किया 90 आत्माओं ने, जिसमें पुरुष भी हैं, नारियां भी हैं, उन्होंने कैसे जीवन को जिया, भेद ज्ञान के द्वारा उन्होंने अंतकृत किया 90 आत्माओं को। इसमें हम अध्यात्म की चर्चा करेंगे और कोई चर्चा नहीं करेंगे। दानशील तप भावना, ये हमारा ग्रस्त धर्म में दानशील तप भावना किस लिए, क्या ये परंपरा है दान देना, शील का पालन तप करना? नहीं, दानशील तप भावना जीव के लिए करेंगे, जीव के उत्थान के लिए, कर्म निजरा के लिए, जो कुछ भी करेंगे जीव के लिए करेंगे। देह तपेगा, देह का उपयोग करेंगे, जैसे आप तप करेंगे, कोई मांस कमन करेगा, कोई ठाई करेगा, कोई बेला करेगा, कोई कासना करेगा, कुछ भी करेंगे, उसमें जीव
अपने स्वभाव में रहेगा और देह तप करेगा, और दोनों भिन्न भिन्न दृष्टि से करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्षमा मैत्री करुणा की भावना उपास भावना भाएंगे। ये मार्ग कैसा है? जिन शासन का मार्ग प्रार्थना का नहीं, संकल्प का मार्ग है। प्रार्थना क्या है? हम समझते हैं कि ऊपर बैठा हमारी रक्षा करेगा, हमारे कर्मों को दबा देगा, हम बच जाएंगे। नहीं, जिन शासन में प्रार्थना को महत्व भी नहीं दिया जाता, संकल्प को महत्व दिया जाता है। आप संकल्प करेंगे, पहला संकल्प कि जीव अनादि काल से बंधा हुआ है, जीव की मुक्ति कैसे मुक्ति हो, जैसे 90 आत्माओं ने कैसे मुक्त हो गए, 90 आत्मा जिसमें 57 पुरुष थे, 33 नारियां थी, प्रत्येक साधक के नाम पर एक एक अध्ययन है, उन्होंने कैसे मुक्ति प्राप्त की। हम भी रक्ष रखेंगे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, कि मेरे जीवन का एक संकल्प रखें कि जीव की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे। और परचिंतन, देखिए स्वचिंतन और परचिंतन, परचिंतन में कर्मों का बंधन है। परचिंतन क्या है? देह के बारे, संबंधों के बारे, परिवार के बारे में, मैं कैसा रहूं, मुझे कौन सुख देगा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये रोग आ गया इसका कौन उपचार करेगा, मेरा कौन सहायक बनेगा, धन इकट्ठा करना, जो कुछ भी करना, संग्रह करना, ये हम परचिंतन के कारण करते हैं। 8 दिनों में कम से कम परचिंतन का त्याग करेंगे, और परचिंतन का त्याग निज में निज को स्थित रहने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ साथ संकल्प करेंगे कि मेरा जीव आत्मा मुक्त हो जाए। परचिंतन का त्याग निज में निज को स्थित करने का कैसे करोगे? अधिक से अधिक आप ध्यान करें जितना समय मिल पाए आपको, और भाव शुद्धि करें, कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना कर पाया हूँ अब तक पाप पुण्य का लेखा, कितना मैंने जीवन में पुण्य किया, पाप किया, कर्म मर्यादा की, इसके लिए आप इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। असंख्यम जीवे मा पमाए जाने पमाते असंख्यम जीविए मा पमाए। ये जीवन असंस्कृत है, टूटेगा छूटेगा जैसे धागा टूट जाता है, लकड़ी टूट जाती है। ये जीवन आयुष कर्म के आधार पर है, आयुष कर्म आया, जीवन असंस्कृत है, जीवन टूटेगा। असंख्यम जीव है, जरो बनिए सोनती, बुढ़ापा है, बीमारी है, दुख है, कौन रक्षा करेगा। एवं बयानी जन्म पमत्तो कन्नु विहिंसा अजय अभियंती। जो प्रमादी लोग जो अपने देह की सुरक्षा के लिए, देह की सुख सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रमादी जान वो अपने जीवन में कैसे रक्षा कर सकेंगे? तो ये बहुत जरूरी है, अपने जीवन में देह का उपयोग करते हुए, अपनी आत्मा में स्थिर रहते हुए अपने जीवन को उत्तम बनाए। संत तुलसीदास ने कहा, तुलसी इस संसार में पांच रतन है सार, तुलसी आसन सार में पांच रतन है सज्जन संगति हरि भजन दया दान उपकार। पांच चीजें जीवन में रखें, संतुष्टि, सज्जन की संगति, सज्जन जो आपको सत्य का मार्ग बताए, आपकी आत्मा सबसे आत्मा में आए, आत्मा की संगति करें, और हरि भजन प्रभु का नाम, ध्यान कुछ भी करें, और प्राणी मात्र पर दया रखें, दान करें और उपकार करें। ये पांच बातें व्यवहार दृष्टि से आप करते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। खूब आप साधना करें, आगे बढ़ें।
आप एक प्रखर साहित्यकार हैं। आपके द्वारा रचित साहित्य ने मानव मात्र के जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप श्री का साहित्य अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। आप श्री द्वारा लिखित शोध ग्रंथ भारतीय धर्मों में मुक्ति, ध्यान एक दिव्य साधना, स्वयं की यात्रा, वितराग विज्ञान, ध्यान से ज्ञान, आ घर लौट चले आदि साहित्य मानव मात्र को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। भगवान महावीर की साधना को जानकर, समझकर, अपनाकर उसे साहित्य के माध्यम से, अपने लेखनी और वाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी आचार्य भगवंत के अत्यंत कृतज्ञ है कि उनके इस प्रकार की ज्ञान साधना का फल समग्र संघ को मधुरतम प्राप्त हो रहा है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहेब द्वारा लिखित 21 जैन आगमों का संपादन किया जा चुका है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रवेश विद्यमान, असंख्यात परदेशी आत्मा। पूरे चेहरे पर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आंखें, नासिका, कान, गालें, पूरे चेहरे पे आत्म प्रदेशों का स्पंदन, कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का वजन भी नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दें। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए।
सेवा करुणा प्यार ही मनमानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मनमानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गरसांस ले अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करूं। एक और लंबा गरसांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि चारे शरण दुख हर जगत और न शरण कोई उसका।